इधर राजनांदगांव में पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अरुण साव ने मीडिया से कहा, आज 13,81,00,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। हमने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। लगातार शहरों के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। पीएम आवास के रुके हुए पैसे को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम आवास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में जो पूर्व में पीएम आवास स्वीकृत हो चुके हैं वो लगातार बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सस्पेंड वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर जो झगड़ा है, प्रदेश अध्यक्ष पहले उन्हें मिटा लें। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहे। 13,81,00,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यक्रमों का भूमि पूजन किया है। जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार शहरों के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे नगरी निकाय स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए लगातार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत राजनांदगांव में भी आज हुई है।